नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने CA एग्जाम जो है मई 2021 की, उसको जैसे महामारी बढ़ रही थी वैसे वैसे डेट को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। अब CA एग्जाम होने वाली है 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 से एग्जाम का आगाज होना है। सब कुछ है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ महामारी के केसेस भी कम होते हुए नजर आ रहे, तो भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पिटीशन दाखिल किया है एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय। मैडम खुद एक एडवोकेट है और साथ ही साथ मैडम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन दाखिल किया है। हम आपको बता दें, लास्ट ईयर भी मैडम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था CA एग्जाम रिलेटेड। ये साल भी उन्होंने पिटीशन दाखिल करके ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। तो ये है पिटीशन का प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर 9058/2021 का। आइए जानते कि मैडम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सी मांगे रखी है ये पिटीशन दाखिल करते हुए CA एग्जाम रिलेटेड। तो सबसे पहले मैडम यहां बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो एग्जाम पोस्टपोन हुई है उसमें ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना चाहिए। ऑप्ट आउट ऑप्शन मतलब बच्चे एग्जाम के पहले या फिर एग्जाम के चलते अगर एग्जाम को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ पाएंगे, ऐसा ऑप्शन ICAI ने देना चाहिए। मतलब अगर आपके घर में कोई बीमार हो, महामारी का शिकार हो, या फिर आप खुद महामारी का शिकार हो, तो आपको कोई भी ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्ट आउट का ऑप्शन आपको नहीं है तो फिर आपके जो बेनिफिट्स है पुराने, मान लो कि आपका एग्जेम्पशन है पुराने अटेम्प्ट का, तो वो एग्जेम्पशन का एक अटेम्प्ट अभी काउंट हो सकता है। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट रहते हैं एग्जेम्पशन के काउंट होने वाले, तो उसमें एक अटेम्प्ट आपका ऐसे ही जा सकता है महामारी के चलते। ICAI ने ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना चाहिए, ऐसा मैडम का कहना है। मैडम ने दूसरी बात ऐसी बोली है कि ऑप्ट आउट का ऑप्शन अगर आप देते हो और ऑप्ट आउट लेने वाले अगर ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है, ओल्ड इंटर या फिर ओल्ड फाइनल कोर्स के स्टूडेंट अगर ऑप्ट आउट का ऑप्शन लेते हैं तो ICAI ने उन्हें और एक एक्स्ट्रा चांस देना चाहिए। ये मांग भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। ICAI ने उनका एक अटेम्प्ट एक्सटेंड करना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा चांस देना चाहिए। अगर वो ऑप्ट आउट अगर आपने दिया और ऑप्ट आउट देने के बाद अगर लेने वाले लोग जो है ओल्ड सिलेबस के रहेंगे तो उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए, ये बात भी मैडम ने बोली है। मैडम ने आगे बोला है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बढ़ाने चाहिए मई 2021 के साइकिल के लिए। उन्होंने बोला है हर जिले में एक एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने बोली है। आगे उन्होंने बोला है कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर अगर बढ़ाए जाते हैं ऑप्शन सी के हिसाब से, तो ऐसे केस में बच्चों को और एक फ्रेश विंडो ओपन करनी चाहिए जहां पे बच्चे अपना सेंटर बदल पाएंगे। मतलब ICAI ने एग्जामिनेशन सेंटर नए बनाए तो फिर बच्चों को ऑप्शन देना चाहिए कि वो नए एग्जामिनेशन सेंटर अपने सहूलियत के हिसाब से चुन पाए और पुराने जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बदल पाए। मतलब सी की मांग पूरी हुई तो ये डी का ऑप्शन ओपन हो सकता है, एक ही मांग पूरी हुई तो बी का ऑप्शन ओपन हो सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। आगे मैडम ने ऐसा बोला है कि CA एग्जामिनेशन जो है ये 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक है इंटर और फाइनल की एग्जाम, और 24 जुलाई के बाद है फाउंडेशन की एग्जाम। इस दरमियान बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन और फ्री अकोमोडेशन देना चाहिए। बाहर गांव से अगर बच्चे आते हैं तो उनका आना जाना और साथ ही साथ उनका रहना, ये सारी फैसिलिटी उनको फ्री में देनी चाहिए, ऐसा मांग भी मैडम ने रखी है। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि बच्चों को जो ई एडमिट कार्ड दिए जाते हैं वो ये एडमिट कार्ड को ई पासेस करके मान लेना चाहिए। ई पासेस के चलते बच्चे सारे जोन में आराम से ट्रैवल कर पाएंगे, इंक्लूडिंग वो कंटेनमेंट जोन में भी जा पाएंगे ये एग्जामिनेशन के दरमियान, ये बात भी मैडम ने बोली है। मतलब मैडम चाहती है कि बच्चों को सारी सहूलतें मिले ताकि वो आराम से ट्रैवल कर पाए, आराम से जाके रह पाए, उनका आना जाना फ्री में हो जाए, उनके जो ई पासेस जो है उनको ई एडमिट कार्ड जो इशू किए उनको ई पासेस मान लिया जाए और बच्चे आराम से ट्रैवल कर पाए। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों से मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं बच्चे। CA एग्जाम मैं खुद दे चुका हूँ तो मैं उस चीज़ों से गुजर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है आदमी। और अगर महामारी जैसी समस्या अगर सामने है तो साइकोलॉजी समझने वाली बात है स्टूडेंट्स की। आगे उन्होंने मुद्दा लिखा है कि एक स्टैंड बाय एग्जामिनेशन सेंटर भी ICAI ने रखना चाहिए। आपने जो मतलब ICAI ने हर जिले में एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाना ही चाहिए
और साथ ही साथ एक स्टैंड बाय एग्जामिनेशन सेंटर भी रख देना चाहिए कि अचानक से जो अभी सिलेक्ट किया हुआ एग्जामिनेशन सेंटर अगर कंटेनमेंट जोन में जाता है तो तुरंत बच्चों को नए एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जा सकते हैं। स्टैंड बाय एग्जामिनेशन सेंटर मेन एग्जामिनेशन सेंटर के पास में रखना चाहिए, ऐसी बात भी उन्होंने बोली है। उन्होंने ऐसा बोला है कि आप कंपल्स करो कि जो भी महामारी रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करवाने चाहिए। वो सारे टेस्ट किसने करवाने चाहिए? स्टूडेंट्स ने करवाने चाहिए, टीचर्स ने करवाने चाहिए, निरीक्षक ने करवाने चाहिए और सारा जो स्टाफ होता है एग्जामिनेशन सेंटर का, उन्होंने महामारी के सारे टेस्ट करके और वैक्सीन लेके आना चाहिए। वैक्सीनेशन ड्राइव चालू कर देना चाहिए ICAI स्टूडेंट्स के लिए, ये बात भी उन्होंने बोली है। ये मांगे करी है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि MHA और MOH FW मतलब वो गृह मंत्रालय से उम्मीद कर रही है कि आप सेपरेट गाइडलाइंस इशू करो CA एग्जामिनेशन के रिलेटेड। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि ICAI ने एटलीस्ट 7 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए, नया एग्जामिनेशन साइकिल चालू होने के 7 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए, ऐसी बात भी उन्होंने बोली, ऐसी मांग रखी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि अगर महामारी के चलते महामारी के अगर कोई टेस्ट या फिर वैक्सीनेशन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, निरीक्षकों को, स्टाफ को नहीं दे पाई तो ICAI ने क्या करना चाहिए, एग्जाम जो है जो 6 जुलाई को चालू होने वाली है उसको और पोस्टपोन करना चाहिए। जैसे ही महामारी है तो वैक्सीनेशन और वो सब होने के बाद ही एग्जाम लेनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने बोली है। आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि मई 2021 की साइकिल जो है वो नवंबर 2021 के साइकिल के साथ मर्ज नहीं करनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने बोली है। और आगे उन्होंने बोला है कि ये सारे जो मुद्दे मैंने लिखे ए से लेके के तक, इसके रिलेटेड कोई और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को नजर आता है तो उसके चलते वो एक्शन ले, ये बात भी उन्होंने बोली है। मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो अच्छी बात है वो है ऑप्ट आउट का ऑप्शन। अगर महामारी के चलते अगर कोई स्टूडेंट बीमार पाता है अपने आप को एग्जाम के दरमियान तो फिर उसको तुरंत ऑप्शन मिलना चाहिए ऑप्ट आउट का। ऑप्ट आउट अगर नहीं मिला तो उसका नुकसान हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड जो है बेनिफिट जो है वो उसके लैप्स हो सकते हैं। मान लो किसी का एग्जेम्पशन है और तीसरा अटेम्प्ट है एग्जेम्पशन का तो फिर अभी उसको अटेम्प्ट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्ट आउट नहीं है और अगर वो महामारी का शिकार हो गया तो उसका तो एग्जेम्पशन का नुकसान हो सकता है। तो ये एक मुद्दा बिल्कुल जायज है, ऑप्ट आउट का ऑप्शन होना चाहिए। एनीवे आपके इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।